तो गाइस तो कैसे हम लोग आप सब सब लोग ने वीडियो लेके और आई नो पीछे से नॉइज आया होगा क्योंकि बारिश हो रही है मेरे घर के बाहर, तो उसकी आवाज़ आएगी ही। तो हम लोग ने गेम प्ले पर फोकस करते हैं। जैसा कि तुमको मालूम है कि मेरा न्यूटलो में से दो रोल फेवरेट है, पहला फैंटम और दूसरा ग्लूटोनी। बिकॉज जब ग्लूटोनी आया था मैं उसी टाइम पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया था, जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है। और तब जो मज़ा आता था भाई, ग्लूटोनी का जो शुरू का क्रेज़ है वो सिर्फ वही लोग जानते जो उस टाइम पे गेम में थे। और मैंने जैसे तुमने देखा इतना प्रो हूँ मैं कि गेम शुरू होते ही मैंने दो लोगों को खा लिया। और हाँ, मेरे को एक और चीज़ जाननी है कि कहीं क्या तुम लोग के यहाँ भी बारिश हो रही है? क्योंकि मेरे यहाँ आज बारिश हुई है, क्योंकि ऑफकोर्स मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मेरा ही सेकेंड जो पार्टनर नहीं कह सकता उसको, लेकिन हाँ वो भी न्यूट्रल है, उसने भी एक बॉडी खा ली है, लेकिन किसकी बॉडी खाई वो मालूम नहीं। और फालतू में इन लोगों ने पिंक को निकाल दिया, कोई वैलिड रीज़न नहीं था। और आई नो मेरी आवाज़ बहुत अजीब आ रही होगी क्योंकि ऑफकोर्स मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो आने में लेट होगी, जो मैं सेकंड चैनल पे उनको मालूम है और जो इस चैनल पे उनको नहीं मालूम होगी। लेकिन फ़िलहाल कुछ वक्त मेरी वीडियो और ज़्यादा लेट आने वाली है, लेकिन अभी मेरे यहाँ हो रही है बारिश। मैं चाहता वीडियो जल्दी रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है, तो मेरी कोई गलती है नहीं। तो इसलिए मैंने बारिश को अनदेखा करके वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि अगर मैंने मिस किया तो आई डोंट थिंक सो कि मैं वीडियो कब रिकॉर्ड होगा। और हाँ, अब तुम लोग सोचोगे कि मैं कैसे बचा, क्योंकि ये दोनों इम्पोस्टर हैं। सियान ने बोला है मेरे को वोट करने के लिए, ब्लू बोल रहा है कि 2 vs 1 करने के लिए। तो सियान ने जिसको गालियाँ दी जो कि मैंने सुनी है, तुमने नहीं सुनी होगी, लेकिन मेरे को फ़ायदा हुआ ना उससे। और जंपिशू लेवल 4 करने का मतलब लेवल 10 करने का यही फ़ायदा है। और मैंने उसका इस्तेमाल करके पहले ब्लू को खाया जिसको सबसे ज़्यादा खुजली थी, उसके बाद सियान को ढूंढ रहा था। लेकिन जैसा कि तुम लोग को मालूम होगा कि अगर इम्पोस्टर अगर तुम बनो और अगर तुमको दिख रहा है कि ग्लूटोनी है सामने, तो भाई सैबो दे के छुप जाओ, मत करो कि तुम सैबो फिक्स करके उसको दिखा रहे हो कि तुम यहाँ हो। क्योंकि इसने लाइट फिक्स किया तो मेरे को पता चला ये वहाँ था और मैं जाके इसको खा गया, क्योंकि तो ग्लूटोनी से नहीं जी सकते। ग्लूटोनी से सिर्फ दो रोल जी सकते हैं, पहला अगर वो निंजा हो, दूसरा वो स्नाइपर हो, बाकी कोई रोल नहीं है ग्लूटोनी से जीतने वाला। और हाँ, एक अभी नया रोल आने वाला है, टाइम स्टॉपर, इसका ऐसा कुछ नाम है, जो कि जल्दी आ जाएगा। डेट तो उसका आज था आने का, लेकिन वो आज आया नहीं, देखते हैं वो कब आता है। वो जो रोल है वो जरूर इससे जीत सकता है ग्लूटोनी से, ऑफकोर्स वो टाइम स्टॉप करने की पावर है। और जो नेजा रोल है वो मेरे को उतना कुछ पसंद आया नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स अगर गेम में नेजा है तो वो लोग गेम में सब में इतना दिमाग है कि फालतू में किसी को वोट आउट नहीं करेंगे। और इम्पोस्टर तो बिल्कुल किसी को वोट नहीं करने वाला, अब स्किप ही करेगा वो 90%, जो कि ऑफकोर्स एक तरीके से सही है, बिग ब्रांड है, मगर मैं क्या करूँ। और जैसा कि तुमने देखा फिर से मतलब बिना किसी बात के फालतू में इन लोगों ने ऑरेंज को निकाला है, मगर ऑरेंज इम्पोस्टर था, मतलब पहली बार इन लोगों ने कुछ प्रोनेस दिखाई है। और हाँ, मेरे पीछे से मैं वापस से बोलता हूँ आवाज़ अभी भी आ रही होगी, तो प्लीज़ इग्नोर करना। और हाँ, मैं बताता तुमको कि कुछ सीक्रेट प्लेसेस, पहला रिएक्टर चले जाओ, नेविगेशन चले जाओ, वो न्यूट्रल का कोई भी रोल हो या फिर जिसमें तुमको कूल डाउन चाहिए, तो ये सही जगह बहुत अच्छी है। और मैं गया था यहाँ रेड को खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई रिवाइव हुआ, लेकिन उसी वक्त पिंक ने आके येलो को मार दिया, तो मैंने मीटिंग बुलाई, मतलब मैंने रिपोर्ट किया, उसने रिपोर्ट किया, लेकिन सबको लगा था ब्राउन ने किल किया है, लेकिन मैंने क्लियर देखा था पिंक ने मारा है। तुम लोग वीडियो रिवाइंड करके स्लो करके देख सकते हो कि किसने मारा है, तो मैंने बोल के पिंक को निकलवा दिया। और ऑफकोर्स पिंक ने मारा है इसलिए वो इम्पोस्टर नहीं है, बल्कि वो शेरिफ था। अब ये ना जाने क्यों शेरिफ ऐसा नूबरापंती करते हैं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन अब देखो सबसे ज़्यादा बिग ब्रेंड नहीं लगाया मैंने, हमेशा की तरह फालतूगिरी की है अभी, लेकिन तुम देखो तो क्या दिमाग नहीं लगाया था मैंने, मतलब जब यहाँ पे लाइट कटा तुमको थोड़ा सा स्लो लग रहा है ना, क्योंकि मेरे को भी लग रहा था न जाने क्यों, क्योंकि अब सुपर सिस्टम का प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा लैग आता है रिकॉर्डिंग इशू में। तुम नॉर्मल गेम खेलोगे तो इतना लैग नहीं आता, लेकिन अगर तुम रिकॉर्डिंग ऑन करके खेलते हो चाहे कितना भी अच्छा फ़ोन हो, लैग आएगा। और मैंने सबसे पहले ब्राउन को खाया था, रेड ने मेरे को देखा था, तो मैं रेड को ही खाने गया था, लेकिन रेड बच गया। और अभी तुमने देखा कुछ अजीब सा मार का था, लेकिन मैं वाइट को खा गया। और लाइट जब फिक्स होता है तो उसी वक्त मेरी किस्मत के भरोसे मेरे को रेड मिल जाता है, मैं रेड को खा के ये गेम प्ले को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।
और हाँ प्लीज़ ये मैं तुमको बताता हूँ, अगर वो जो नया रोल है अगर वो आ गया कल परसों में, तो मैं उस पर वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, वो भी टाइम स्टॉपर पे। नेजा का मैं ट्राई करूँगा कि इसका भी जल्द ही ले आऊँ, लेकिन फ़िलहाल मैं टाइम स्टॉपर पे रिकॉर्ड करूँगा। और हाँ मेरी किस्मत इतनी बुरी है, गेम प्ले के साथ साथ बारिश भी ख़त्म हो गई। और हाँ अगर तुमको दूसरे चैनल पे वीडियो देखनी है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें अगर तुम उस पर कंटिन्यू रहोगे तो। और बाय बाय।